कसरावत तहसील से 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत हीरापुर की कहानी में इन दिनों ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गर्मी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या विकराल होती नजर आ रही है। नल कनेक्शन शोपीस बनकर रह गए हैं। ऐसे में सरकार और विभाग का दावा छलावा साबित होता नजर आ रहा है। ग्राम पंचायत कहानी में मोहल्ला वार्ड वासियों का ये कहना है कि पंचायत द्वारा पीने के पानी देने को लेकर सामाजिक भेदभाव किया जाता है। कहानी में लोग नल कनेक्शन और हैंडपंप जवाब दे रहे हैं। गर्मी से परेशान लोग पीने के पानी के लिए तरसने लगे हैं। वार्डवासी पानी के लिए मोहल्ले के एक ही हैंडपंप पर 200 परिवार द्वारा रोजाना पानी भरा जा रहा है। यहां पर पानी की टंकी भी मौजूद है। वार्डवासियों ने बताया कि उनके यहां हर घर में नल कनेक्शन तो दिया गया है, लेकिन नल में पानी नहीं आ रहा है। एक माह से बंद हो गया। इसकी शिकायत सरपंच सचिव को दी जा चुकी है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सुनिए मोहल्ले वासियों का क्या कहना है। क्या है पानी की समस्या, क्या है यहाँ पर? एक महीने से नहीं मिल रहा है, और उधर दे रहे और इधर नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे इधर पानी? ये बोल रहे इस पर तो मैंने पानी नहीं दिया, ऐसा बोल रहे आधे गांव में पानी दे रहे हैं। हाँ, और आधे गांव में उधर तो है, बोल रहे उधर है पानी, इधर बोल रहे कि इसमें ट्यूबवेल में पानी नहीं, ऐसा बोल रहे। ये कौन जवाब दे रहा है? ये मंत्री देता है कि सरपंच? मंत्री और सरपंच दोनों। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे दूसरा क्या साधन है? साधन हैडपम्प हो गया तो पानी मिल रहा है, नहीं तो वहाँ से पानी खपत हो। इस हैडपम्प पे कितने घर के लोग पानी भरते हैं? कम होंगे 150 घर। हाँ। एक हैडपम्प पे है आश्रित, पानी नहीं मिल रहा। हाँ, और क्या तो उधर कौन सी समाज को दे रहे पानी ये लोग? तो उधर दे रहे यादव वगैरह सब। आप कौन से समाज में? हमारी। अच्छा, सरपंच का क्या कहना पड़ता है? पानी खत्म हो गया, वो बोला ट्यूबवेल में पानी नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। और उधर पानी मिल रहा है तो इसके लिए कुछ उन्होंने उपाय भी? आप भी तो ट्यूबवेल हुई थी तो वहाँ पे भी पानी नहीं रहा, ऐसा बाकी पानी दे ट्यूबवेल में, ऐसा बोल रहे आधे गांव में दे रहे हैं। हाँ, आधे गांव में दे रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अजय सिंह है। कौन सी ग्राम पंचायत? आप पानी की समस्या, ये हेडपंप से आप पानी भर रहे हैं? हाँ। क्या समस्या है? पानी इधर देता है नल वाला, उधर इधर नहीं देता, उधर देता है। क्यों नहीं देता है ये? अभी पानी नहीं ट्यूबवेल, पानी खत्म हो गया, नहीं तो कभी बोलता है ट्यूबवेल जल गई। कब से समस्या है ये? एक डेढ़ महीना हो गया। अभी तक पानी नहीं मिला आपको? नहीं मिला। हेडपंप से भर रहे हैं आप? तो इस हेडपंप से कितने लोग पानी भरते हैं? पूरा गाँव भरता है। क्या नाम है आपका? अलका। यही रहते हो? कौन सी पंचायत है? अब वार्ड वासियों ने तो कह दिया है कि पानी देने के नाम पर एक ही पंचायत की दो पहलू है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने जनपद पंचायत सीईओ से बात की तो उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। मैंने ग्राम पंचायत हीरापुर में आधे गांव को पानी मिल रहा है और आधे गांव को पानी नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? हीरापुर की योजना जो है एक्वाफिटिंग योजना बनाई थी, इसमें पूरे गांव में पेयजल प्रदाय हो रहा था, परंतु अभी जलस्तर कम होने से सोर्स में जलस्तर कम होने से आधे गांव में पानी जा रहा है। हमारी तरफ से, विभाग की तरफ से पंचायत को भी हम निर्देशित कर रहे हैं कि समय सारणी के अनुसार पूरा बनाकर एक दिन में अगर हो सके तो ग्राम पंचायत जो आधा गांव है उसको एक बार में और दूसरे को अगले दिन में सप्लाई करें। इस तरह से दोनों जहां पर पानी नहीं जा रहा है वहां पर भी पानी सप्लाई हो सकता है। सरकार की करोड़ों रुपए की नल जल योजना है, बाकी इस तरह की घटनाएं हो रही है, करीब एक डेढ़ महीना हो गया है। इसके लिए हमने योजना बनाकर वरिष्ठ कार्यालय भेजी हुई है, जब नवीन नलकूप खनन करवाया जा सके, जब जैसे स्वीकृति मिलेगी वैसे कार्य कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत हीरापुर में लोग पानी के लिए हेडपंप से पानी भर रहे हैं, जबकि पाइप लाइन है वहाँ पर, टंकी भी है, पानी नहीं दिया जाता। और कहने पर कहते हैं तो पानी बोले खत्म हो गया, आधे गांव में पानी दिया जा रहा है, आधे गांव में पानी नहीं दिया जा रहा है, ये अभी तक हमारे पास इस विषय में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, ना ही कोई स्थानीय नागरिक द्वारा, ना ही किसी जनप्रतिनिधि द्वारा। ये आप बता रहे हैं कि हमारे संज्ञान में आ रहा है, जबकि पेयजल के विषय में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारे द्वारा प्रतिदिन वाहन मॉनिटरिंग की जा रही है। यदि ऐसी वहीं पर भी कोई भी समस्या उत्पन्न होगी तो उसका तत्काल निराकरण किया जा रहा है। और वही ग्राम पंचायत सीतापुर की बात, तो इस प्रकार की हमारे पास अभी तक कोई भी लिखित मौखिक या अन्य किसी भी माध्यम से पेयजल नहीं मिल रहा है, ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आप बता रहे हैं तो मैं भी पंचायत से संपर्क करके निराकरण करूँगी।
ग्रामीणों का कहना है कि एक महीने से ये समस्या बनी हुई है कि अगर समस्या एक महीने से होती तो हमारे संज्ञान में जरूर आती। हमें ना किसी के भी द्वारा इस विषय पर अवगत नहीं कराया गया। मेरे स्वयं के द्वारा प्रतिदिन पंचायतों में पेयजल के संबंध में बात की जा रही है। ग्राम पंचायत हीरापुर में भी अभी